यहाँ पर विंटरलाइन समिति और पर्यटन विभाग द्वारा जो है यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल लगाया गया है, जहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा जो भी कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, कुछ प्रशासन द्वारा भी लगाए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ी फूड का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित ही जो है जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, जो देश के कोने कोने से आता है, निश्चित ही उसको पता लगेगा कि पहाड़ के क्या क्या व्यंजन होते हैं। वहीं जो हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं, इसको इसको प्रमोट करते हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिला है कि आप किस किस तरह से जो है व्यंजन होते हैं। और मैं मानता हूं कि यही नहीं, हमें पहाड़ी भोजन का प्रचार प्रसार जो है अन्य स्तर पर भी करना चाहिए। होटलों में भी जो होटल्स जो हैं वहाँ पर भी पहाड़ी व्यंजन मिलने चाहिए। और यही नहीं, जो हमारे यात्रा रूट हैं, जो हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, मैं मानता हूं कि हमें वो चीज़ें ना बना के जो कि हमें और होटलों में मिलती हैं, हमें उसी क्षेत्र के जो भोजन होता है, जो व्यंजन होता है, जिस क्षेत्र में जो स्टॉल हैं, जो रेस्टोरेंट, जो ढाबा हैं, यदि हम वो लोग उस चीज़ को बनाएंगे तो मुझे लगता है फाइव स्टार और अच्छे अच्छे शेफ भी उस चीज़ को वैसा अच्छा नहीं बना पाएंगे जितने उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि उनको उस भोजन बनाने की महारत हासिल होती है, जबकि और जो शेफ होते हैं वो सीखते हैं वहाँ। जो इस तरह का जब होगा तो निश्चित ही जब टूरिस्ट इन इलाकों में जाएगा, यात्रा रूट पर जाएगा या पहाड़ के और रूट पर जाएगा, तो उसे पता लगेगा कि क्या क्या व्यंजन जो है पहाड़ के होते हैं। उससे उनकी आय तो बढ़ेगी, साथ में जो है पलायन जैसे मुद्दे भी लोग जो है पहाड़ की तरफ जाएंगे और इस तरह का उद्योग के रूप में इसको चलाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा मसूरी विंटर कार्निवल हो रहा है उसका दूसरा दिन है और आज जो है फूड फेस्टिवल का उद्घाटन भी हो गया है। इसमें जो पहाड़ के जितने भी व्यंजन हैं उनको सबको जो है परोसा जा रहा है। वहाँ के जो लोग पहनावा हैं, आभूषण हैं, उनमें महिलाएं सज धज के आई हैं, उनके स्वयं सहायता समूह और अन्य जो समूह बनाए हैं उन्होंने, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनके बीच कंपटीशन रखा गया है, बाहर से भी शेफ बुलाए गए हैं जो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। और इस तरीके से ये उत्तराखंड के लोक व्यंजनों के प्रमोशन के लिए, उनको जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है। इससे एक दूसरा संदेश ये भी इस कार्यक्रम का है कि जितने भी हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो हमारे काश्तकार उगा रहे हैं, उन सबको जो है यहाँ पर इस फूड फेस्टिवल के माध्यम से मार्केट मिल रहा है और स्वाभाविक रूप से उनका जो है जो उत्पाद हैं वो बिक रहे हैं और उससे खेती किसानी को बढ़ावा मिल रहा है। मसूरी विंटर के लाइन कार्निवल अपने 10वें साल में इस बार, और इसका एक अहम हिस्सा होता है जो हमारा उत्तराखंड फूड फेस्टिवल होता है, इसका भी उद्घाटन हुआ है और लगभग 20 स्टॉल लगे हुए हैं इसमें, जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। और उम्मीद है कि इसका एक जो हमारा विंटर लाइन कार्निवल है उसका मुख्य आकर्षण, इसका प्रमोशन निरंतर पिछले 7-8-10 साल से बहुत काफ़ी मेहनत करी गई है इसमें, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में लोकल एसोसिएशन भी साथ में जुड़ के, और अब जुबान पे आ चुका है। हमारी चेष्टा ये थी पिछले 7-8-9 साल से कि हम कैसे अपना जो लोकल खान पान है उसको हम लोगों की जुबान पे लेकर आएँ। लोग क्यों सिर्फ डोसा और मोमो की और चाउमीन की बात करें, हम मंडवाई और जंगोरे की बात क्यों ना करें? तो मंडवा जंगोरा तो हमारी जुबान पे आ ही गया, तो उम्मीद है कि और बढ़ता रहेगा। इससे हमारे प्रदेश की पहचान भी बढ़ेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत मदद।